दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल VS व्लॉगर्स में। तो ये किला परीक्षितगढ़ का तीसरा व्लॉग है हमारा। इससे पहले हमने जो दो व्लॉग दिखाए हैं उसमें फर्स्ट व्लॉग में हमने आपको गांधार कुंड दिखाया था, दूसरे में जो है प्राचीन गोपेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराए थे आपको। और ये तीसरा जो व्लॉग है ना, ये बहुत कमाल का होने वाला है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इसी जगह से जो है कलयुग की शुरुआत हुई थी, वो जगह हम आपको दिखाएंगे। और महाभारत काल से जुड़ी हुई कुछ गुफाएं भी यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर भी कुछ गुफाएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था और इस वीडियो में भी दिखाएंगे। और कलयुग की शुरुआत हुई थी यहाँ से, कई जगह कई बातें कई रहस्यमय बातें जो जुड़ी हुई हैं इस जगह से, वो सब आपको दिखाऊँगा। वीडियो में बने रहिए, अंत तक वीडियो देखिए। तो चलते हैं अंदर की ओर। दोस्तों इस जगह के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये जो जगह है, इस जगह को श्रृंग ऋषि के आश्रम के नाम से जाना जाता है। श्रृंग ऋषि के आश्रम के नाम से जाना जाता है इस जगह को। और इस जगह से जो किस्से कहानियां जो जुड़ी हुई हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि कलयुग की शुरुआत यहाँ से हुई थी। और श्रृंग ऋषि यहाँ पर जो है तपस्या कर रहे थे, और उसी समय राजा परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। और उसके बाद ही जो है श्रृंग ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी कुछ दिनों के। दोस्तों इससे पहले जो हमने आपको वीडियो दिखाई थी गोपेश्वर महादेव सिद्धपीठ मंदिर की, वहाँ से ये जगह लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। काफ़ी खोजने के बाद हमें इस जगह का पता चला। दोस्तों यहाँ की मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर प्राचीन समय में एक कौशिक नाम की नदी बहा करती थी। आज के समय में यहाँ पर एक बहुत सुंदर सरोवर यहाँ पर बना हुआ है, मैं आपको पास से दिखाऊंगा। और इस सरोवर की खास बात यह है कि इसमें जो है कमल के बहुत बड़े बड़े फूल खिले हुए हैं, मैं आपको पास से भी दिखाऊंगा। और कमल के फूल बहुत कम देखने को मिलते हैं किसी सरोवर में आज के समय में इस जगह पर। और इसमें बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए, पूरी ये भरी हुई है नदी, देखिए बहुत सुंदर ये लगता है यहाँ पर देखने में। अगर आप परीक्षितगढ़ आ रहे हैं तो यहाँ पर भी ज़रूर आएँ। इस जगह से जुड़ी हुई और भी किस्से कहानियाँ मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए कितना खूबसूरत ये सरोवर दिखता है। दोस्तों इस सरोवर से जुड़ी हुई एक मान्यता यह भी है कि लगातार जो भी इंसान 7 दिनों तक इस सरोवर के जल से स्नान करता है उसका किसी भी प्रकार का चर्म रोग ठीक हो जाता है इस सरोवर के जल से स्नान करने के बाद। ये श्रृंग ऋषि के आश्रम के ठीक सामने ये सरोवर बना हुआ है। अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ और इस जगह से जुड़ी हुई और भी कहानियाँ मैं आपको बताता हूँ। इस जगह के बारे में कहा जाता है, मैं परीक्षितगढ़ के बारे में बताता हूँ आपको, वो कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के उपरांत राजा परीक्षित ने यहाँ पर यह नगर बसाया था, परीक्षितगढ़ इसको नाम दिया गया था। तो इस जगह के बारे में कहा जाता है कि इस स्थान पर श्रृंग ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे, और उसी समय यहाँ पर राजा परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, जिसके बाद श्रृंग ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया था, जिसके स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी। वो उनकी जो मृत्यु हुई थी बताया जाता है कि वो शुक्रताल तीर्थ में हुई थी, 7 से 9 दिन के भीतर उनकी मृत्यु हो गई थी शुक्रताल तीर्थ में। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक मूर्ति भी लगाई है राजा परीक्षित की और श्रृंग ऋषि की। और मैं दिखाता हूँ आपको पास से भी, ये उनके गले में आप देख पा रहेंगे उनके गले में सांप पड़ा हुआ है। मूर्ति भी इसी प्रकार से बनाई हुई है, उनके गले में सांप डालकर यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। और आसपास का क्षेत्र दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें, यहाँ पर देखिए एक हवन कुंड भी बनाया हुआ है। दोस्तों इस जगह के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इस जगह की इतनी मान्यता है कि यहाँ से कलयुग की शुरुआत हुई थी हिंदू धर्म के अनुसार। और किला परीक्षितगढ़ में ही हमने आपको वो मंदिर भी दिखाया था, गोपेश्वर महादेव सिद्धपीठ मंदिर, जहाँ पर श्री कृष्ण रुके थे। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी परीक्षितगढ़ को वो पहचान नहीं मिल पाई है एक पर्यटक स्थल के रूप में या ऐतिहासिक स्थल के रूप में, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह को नहीं जानते। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जगह के बारे में जानें और यहाँ पर घूमने आए, देखने आए अपने परिवार के साथ। और इस जगह से जुड़ी हुई महाभारतकालीन चीज़ें, कलयुग की शुरुआत हुई थी इस जगह पर, ऐसी बातों को वो जाने हमारी वीडियो के ज़रिए। अब हम आपको गुफा के अंदर लेकर चलते हैं।
जो गुफा बताई जाती है कि आपस में जुड़ी हुई है, महाभारत काल की गुफा है जो हमने गोपेश्वर महादेव मंदिर में आपको दिखाई थी, और हस्तिनापुर में जो गुफा है, और ये भी कहा जाता है कि बरनामा में जो गुफा जाती है वो ही आपस में जुड़ी हुई है। और इस साइड में आप जो पेड़ देख पा रहे हो, ये वृक्ष भी जो है उसी समय का है, राजा परीक्षित के टाइम का ही। एक बार मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको गुफा के अंदर लेके चलूँगा। हालांकि गुफा ये जो है बंद हो चुकी है, देखिए यहाँ से हमने गुफा, ये इसका दरवाज़ा बंद था, हमने खुलवाया, और इसके अंदर इन्होंने आश्रम का ही कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है। फिलहाल तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है गुफा का। कहा जाता है कि यहाँ पे पास में ही नदी है, उस नदी की खुदाई के दौरान ये गुफा बंद हो चुकी हैं। अब मैं नीचे लेके चलता हूँ आपको। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे गोपेश्वर सिद्धपीठ महादेव मंदिर में हमने गुफा दिखाई थी, कि नीचे एक कमरा जैसे बना हुआ है, वैसे ही यहाँ पर भी देखिए, लेके चलता हूँ आपको। सिर्फ उतना ही यहाँ पर भी बचा हुआ है, लेकिन ये महाभारत कालीन ही है ऐसा माना जाता है। उस टाइम पर ज़्यादा इनका आकार बहुत ज़्यादा चौड़ा हुआ करता था, अब समय के साथ ये ऐसी हो गई हैं, बहुत छोटा इनका आकार बचा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, ताकि लोग इसके जगह के बारे में जाने, इनसे जुड़ी मान्यताओं को जाने। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।